आधुनिक युग में बेहतर कनेक्टिविटी की बहुत आवश्यकता है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, चाबहार पोर्ट, असगाबाद समझौते जैसे इनिशिएटिव्स कनेक्टिविटी पर भारत के फोकस को स्पष्ट करते हैं। हमने 2017 में काबुल और कंधार और नई दिल्ली और मुंबई के बीच एयर फ्रेट कॉरिडोर का भी संचालन किया है। संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, सुशासन, पारदर्शिता, व्यवहारिकता और स्थिरता के लिए समान कनेक्टिविटी के पहलों के आधार होने चाहिए। फिजिकल कनेक्टिविटी के साथ साथ पीपल टू पीपल संपर्क का महत्व कम नहीं है। हमारी ई पर्यटक वीजा सेवाएं अधिकांश एससीओ देशों के लिए उपलब्ध हैं। मुझे यह घोषणा करते खुशी हो रही है कि भारतीय पर्यटन की वेबसाइट पर शीघ्र ही एससीओ देशों के पर्यटकों की आसानी के लिए रूसी इंटरफेस और रूसी भाषा में 24/7 पर्यटक हेल्पलाइन प्रारंभ होगी। एक्सलेंसी, एससीओ क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा के लिए शांतिपूर्ण, एकजुट, सुरक्षित और समृद्ध अफगानिस्तान एक महत्वपूर्ण कारक है। हमारा उद्देश्य अफगान लेड, अफगान ओन एंड अफगान कंट्रोल समावेशी शांति प्रक्रिया के लिए सरकार और अफगानिस्तान के लोगों के प्रयासों का समर्थन करना है। हमें खुशी है कि एससीओ अफगानिस्तान कॉन्टेक्ट ग्रुप के फर्दर एक्शन का रोडमैप तैयार हुआ है। एक्सलेंसीज, हम सबका विजन हमारे क्षेत्र में हेल्दी कोऑपरेशन को मजबूत करना है। हेल्थ शब्द के अक्षरों से हमारे सहयोग के लिए एक अच्छा टेम्पलेट बन सकता है। एच फॉर हेल्थ केयर कोऑपरेशन, ई फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ए फॉर अल्टरनेट एनर्जी, एल फॉर लिटरेचर एंड कल्चर, टी फॉर टूरिज्म फ्री सोसाइटी, एच फॉर ह्यूमैनिटेरियन कोऑपरेशन। एच फॉर हेल्थ केयर कोऑपरेशन एसओ की 2019-2021 के लिए हेल्थ केयर कार्य योजना पर हमें जोर देना चाहिए। भारत को टेलीमेडिसिन और मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में अपने अनुभव साझा करने में खुशी होगी। ई फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, आर्थिक सहयोग हमारे लोगों के भविष्य का आधार है। एक पक्षवाद और संरक्षणवाद ने किसी का भला नहीं किया है। हमें विश्व व्यापार संगठन पर केंद्रित एक नियम आधारित, पारदर्शी, भेदभाव रहित, खुली और समावेशी बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की आवश्यकता है। इससे भी सभी सदस्यों, विशेष रूप से विकासशील देशों के हितों को ध्यान में रखा जा सकेगा। भारत एससीओ सदस्य देशों के बीच आर्थिक गतिविधियों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने पर तेजी से काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज हम महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं। इनसे एससीओ में द्वितीय वित्तीय मामलों में और डिजिटलाइजेशन और आईसीटी में सहयोग मजबूत होगा। ए फॉर अल्टरनेट एनर्जी, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत की प्रतिबद्धता हमारे दर्शन में निहित है, जो पृथ्वी को माता के रूप में मानते हैं। आज भारत अक्षय ऊर्जा का छठा और सौर ऊर्जा का पांचवा बड़ा उत्पादक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन भारत की संयुक्त पहल है। इसका उद्देश्य और ऊर्जा की लागत कम करने के लिए प्रौद्योगिकी और वित्त जुटाना है। हम इस पहल में एससीओ के देशों को का स्वागत करते हैं और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को विकसित करने में अपना अनुभव साझा करने के लिए तैयार हैं। आज हम एससीओ के अंतर्गत एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए वर्ष 2019-21 में सहयोग के कंसेप्ट पेपर पर सहमत हुए हैं। एल फॉर लिटरेचर, हमारे युवाओं को एक दूसरे के साहित्य को यानी लिटरेचर के परिचय हमारे संबंधों को गहराई देगा। एससीओ देशों की भाषा में
भारतीय साहित्य की 10 श्रेष्ठ कृतियों का ट्रांसलेशन किया जाएगा। हाल ही में उज्बेकिस्तान के सहयोग से ताशकंद में एससीओ फिल्म फेस्टिवल का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इसमें मनोरंजक बॉलीवुड और उज्बेकी फिल्मों का समावेश था। लिटरेचर और कल्चर हमारे समाजों को एक सकारात्मक गतिविधि प्रदान करते हैं, खासकर यह हमारे समाज में युवाओं के बीच रेडिकलाइजेशन फैलाने से रोक सकता है। टी फॉर टूरिज्म फ्री सोसाइटी। पिछले रविवार श्रीलंका की अपनी यात्रा के दौरान मैं सेंट एंटनी में के चर्च गया था। वहां मुझे आतंकवाद के उस घिनौने चेहरे का स्मरण हुआ जो हर कहीं कभी भी प्रकट होकर रोज मासूमों की जान लेता है। इस खतरे से निपटने के लिए सभी मानवतावादी ताकतों को अपने अपने संकीर्ण दायरे से निकलकर एकजुट हो जाना चाहिए। आतंकवाद को प्रोत्साहन, समर्थन और वित्त प्रदान करने वाले राष्ट्रों को जिम्मेदार ठहराना जरूरी है। एससीओ सदस्यों को आतंकवाद का सफाया करने के लिए एससीओ रेड्स के तहत सहयोग की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना चाहिए। भारत आतंकवाद से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन का आह्वान करता है। एच फॉर ह्यूमैनिटेरियन कोऑपरेशन। भारत अपने क्षेत्र में ह्यूमैनिटेरियन कोऑपरेशन में और डिजास्टर में फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाता रहा है। हमें एससीओ देशों के साथ अपने अनुभव और विशेषज्ञता साझा करने में प्रसन्नता होगी। हमें डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर के विषय पर विशेष ध्यान देना चाहिए। एक्सलेंसी, बिश्केक डिक्लेरेशन का स्वागत, सहयोग के लिए उपयोगी ब्लूप्रिंट। मैं एक बार फिर से हमारे मेजबान महामहिम राष्ट्रपति जिनबेकोव को धन्यवाद देता हूं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अगले वर्ष के लिए एससीओ की अध्यक्षता करने के लिए बधाई देना चाहता हूं और रूसी संघ की सफल अध्यक्षता के लिए भारत के पूर्ण सहयोग का आश्वासन देता हूं। धन्यवाद। बड़ी खबर इस वक्त ये, प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा है बिश्केक में, पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आतंक को पालने पोसने वाले, समर्थन करने वाले राष्ट्र को सोचना होगा, दुनिया को एकजुट होना होगा। एससीओ के सदस्यों से उन्होंने आग्रह किया कि वह आतंकवाद के खिलाफ खड़े हो जाएं और एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आतंकवाद पर करने की उन्होंने बात की है, जिससे आतंकवाद को हम खत्म कर सकें। सीधे सीधे बिना पाकिस्तान का नाम लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया है, पाकिस्तान को एक बार फिर से बेनकाब किया है, पाकिस्तान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगाह किया है। एससीओ के संबोधन में सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कह दिया है कि दुनिया को एकजुट होना चाहिए। एससीओ के सदस्य देशों को से उन्होंने यह आह्वान किया कि मैं आह्वान करता हूं, आपसे आग्रह करता हूं कि उस देश के खिलाफ अब हमें खड़ा होना चाहिए जो आतंकवाद को पालता है, पोसता है, उसका समर्थन करता है। पाकिस्तान का नाम तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं लिया, लेकिन इशारा बिल्कुल साफ साफ था। साफ साफ उन्होंने कह दिया कि आतंक से निपटने के लिए हमें एक होना होगा, आतंक से निपटने के लिए आपका सहयोग हमें चाहिए, आतंक को खत्म करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करना चाहिए जिसमें दुनिया भर के देश शामिल हो। एससीओ के देशों को भी उन्होंने ये कहा है कि हम एकजुट होना होगा हमें, और एकजुट होने के बाद हमें आतंकवाद को खत्म करना होगा, उस देश के खिलाफ भी आवाज उठानी होगी, उस राष्ट्र के खिलाफ भी हमें बोलना होगा, और उस राष्ट्र का को यह सोचना होगा कि वो आतंकवाद को अगर पालेगा पोसेगा तो उसका भी बुरा होगा, भला उसका नहीं हो सकता। आतंक के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिश्केक में ये एक बहुत बड़ा ऐलान। आतंक से निपटने के लिए, आतंक से लड़ने के लिए उन्होंने दुनिया भर का सहयोग मांगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंक को खत्म करने के लिए एससीओ के तमाम सदस्य देशों का आह्वान किया है, एकजुटता पर जोर दिया है और पाकिस्तान को साफ तौर पर कटघरे में आज खड़ा कर दिया है। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया कि आतंकवाद किस तरह से मासूमों को निगल रहा है। Крепло лидерство в этом году шелся, и я бы хотел всех вас поприветствовать. Для меня очень приятно принять участие на заседании Совета глав государств Шолс.
Два года тому назад Индия стала полным членом ШОС, и мы внесли большой вклад во все мероприятия ШОС. Для того, чтобы... Tea for Tourism Free Society. Пичле Равивар Сри-Ланка ки апни ятра ке дорана, мэ Сент Антони ме ке чарч гая та. Вахан муже атакват ке ус гиноне чехре ка смаран ува, жо хар кахи, каби би, пракат хокар, рож масумо ки жан лета хай. Из хатре се нипатне ке лие, саби мановтавади таакато ко, апне апне санкирна дайре се никал кар, ек жут хо жана чахие. Атакват ко протсан, самартан, और वित्त प्रदान करने वाले राष्ट्रों को जिम्मेदार ठहराना जरूरी है। एससीओ सदस्यों को आतंकवाद का सफाया करने के लिए एससीओ रेड्स के तहत सहयोग की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना चाहिए। भारत आतंकवाद से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन का आह्वान करता है। एच फॉर ह्यूमैनिटेरियन कोऑपरेशन। तो आतंकवाद से निपटने के लिए साथ आना जरूरी है। हमारी सहयोगी, हमारी साथी श्वेता सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पाकिस्तान का नाम तो श्वेता नहीं लिया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ निशाने पर पाकिस्तान और श्रीलंका के चर्च के आतंकवादी हमले का जिक्र करके क्या संदेश अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को प्रधानमंत्री मोदी ने श्वेता यहाँ दिया है? पाकिस्तान आजकल सही एक तरह से कहें तो दुनिया में अगर आप आतंकवाद कह देते हैं तो लोगों को समझ में आ जाता है पाकिस्तान, क्योंकि आतंकवाद जैसे ही ये शब्द किसी के जहन में आता है वैसे ही पाकिस्तान, हर आतंकवादी हमला जो दुनिया भर में कहीं भी हो रहा है उसका एक सिरा जुड़ जाता है पाकिस्तान से जाकर, या तो वहां ट्रेनिंग लेकर आ रहे होते हैं या फिर पाकिस्तान में उनकी जड़ें होती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने वैसे भी इमरान खान से जिस तरह की डील की थी यहाँ पर, जिस तरह से बिल्कुल आमने सामने ही नहीं आए, हाथ नहीं मिलाया, अभिवादन नहीं किया, उससे ही बहुत बड़ा संकेत दे दिया है कि जब तक आप बदलेंगे नहीं तब तक हम कुछ बदलेंगे नहीं। शी जिनपिंग आकर कोशिश कर रहे थे कि बीच बचाव कर ले, उन्होंने कह दिया कि भाई हमें बीच बचाव नहीं चाहिए, ये दो देशों के बीच की बात है, हम आपस में सुलझा सकते हैं लेकिन तब जब पाकिस्तान सुधरे। तो अब इसके आगे मुझे लगता है बचा नहीं, अब पाकिस्तान को देखना होगा कि उसे सुधरना है या फिर बेशर्मी के साथ आगे बढ़ते जाना है। सही, बहुत धन्यवाद श्वेता। श्वेता सिंह हमारी संवाददाता जानकारी दे रही थी। साफ संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दिया है, आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने के लिए उन्होंने विश्व बिरादरी का आह्वान कर दिया। सुनिए एक बार फिर से। टी फॉर टूरिज्म फ्री सोसाइटी। पिछले रविवार श्रीलंका की अपनी यात्रा के दौरान मैं सेंट एंटनी में के चर्च गया था। वहां मुझे आतंकवाद के उस गिनोने चेहरे का स्मरण हुआ जो हर कहीं कभी भी प्रकट होकर रोज मासूमों की जान लेता है। इस खतरे से निपटने के लिए सभी मानवतावादी ताकतों को अपने अपने संकीर्ण दायरे से निकलकर एकजुट हो जाना चाहिए। आतंकवाद को प्रोत्साहन, समर्थन और वित्त प्रदान करने वाले राष्ट्रों को जिम्मेदार ठहराना जरूरी है। एससीओ सदस्यों को आतंकवाद का सफाया करने के लिए एससीओ रेड्स के तहत सहयोग की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना चाहिए। भारत आतंकवाद से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन का आह्वान करता है। एच फॉर ह्यूमैनिटेरियन कोऑपरेशन। एक ऐसा सहयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व बिरादरी से मांगा है, और एक ऐसा उदाहरण देते हुए जिससे पूरी दुनिया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस आह्वान पर आकर्षित होगी। आतंकवाद के खिलाफ सीधा संदेश, साफ पाकिस्तान को चेतावनी, साफ पाकिस्तान को गड़गड़े में खड़ा कर दिया है। कहा है कि आप आतंकवाद को पालते पोसते हैं, उस देश के खिलाफ हमें खड़ा होना होगा, उस देश के उस राष्ट्र के खिलाफ हमें बोलना होगा जो आतंकवाद को पनाह देता है। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दी है, लेकिन उससे बड़ी बात यह कही है कि अब आतंकवाद पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया जाए और आतंकवाद के खात्मे पर सबको मिलकर एकजुट होकर काम करना होगा। पाकिस्तान को साफ तौर पर कटघरे में खड़ा करते हुए नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री ने विश्व समुदाय से, बिरादरी से ये अपील की है कि यह आतंकवाद सबको निगल रहा है। उन्होंने उदाहरण दिया श्रीलंका का, श्रीलंका के चर्च पर हुए आतंकवादी हमले का जो उद्वेलित कर देता है, जो परेशान कर देता है। कहा कि ऐसा आतंकवाद जो
कहीं भी अपने पैर पसार रहा है, पूरी दुनिया के लिए नासूर बन चुका है। उस आतंकवाद को खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को सामने आकर खड़े होना होगा। एक बड़ी बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है वो ये कही है कि अब समय आ गया है कि ना सिर्फ SCO बल्कि दुनिया भर के तमाम देश आतंकवाद के खिलाफ खड़े हों, एकजुट हो जाएं, एक हो जाएं, लड़ें इससे, और उससे भी बड़ी बात उस राष्ट्र के खिलाफ भी अपनी आवाज उठाएं, उस राष्ट्र को भी अलग थलग करें, उस राष्ट्र को भी कटघरे में खड़ा करें। अफगानिस्तान का रोड मैप तैयार हुआ, क्या क्या बड़ी बातें हैं हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से आप सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। जरूरी है भारत को SCO के पूर्ण सदस्य के रूप में 2 साल हो चुके हैं, हमने SCO की सभी गतिविधियों में सकारात्मक योगदान दिया है, हमने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में SCO की भूमिका और विश्वसनीयता में वृद्धि के लिए व्यापक एंगेजमेंट जारी रखे हैं। SCO क्षेत्र तथा भारत के इतिहास, सभ्यता और संस्कृति हजारों साल से परस्पर जुड़े हुए हैं। हमारे इस साझा क्षेत्र को आधुनिक युग में बेहतर कनेक्टिविटी की बहुत आवश्यकता है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, चाबहार पोर्ट, असगाबाद समझौते जैसे इनिशिएटिव्स कनेक्टिविटी पर भारत के फोकस को स्पष्ट करते हैं। हमने 2017 में काबुल और कंधार और नई दिल्ली और मुंबई के बीच एयर फ्रेट कॉरिडोर का भी संचालन किया है। संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, सुशासन, पारदर्शिता, व्यवहारिकता और स्थिरता के लिए समान कनेक्टिविटी के पहलों के आधार होने चाहिए। फिजिकल कनेक्टिविटी के साथ साथ पीपल टू पीपल संपर्क का महत्व कम नहीं है। हमारी ई पर्यटक वीजा सेवाएं अधिकांश SCO देशों के लिए उपलब्ध हैं। मुझे यह घोषणा करते खुशी हो रही है कि भारतीय पर्यटन की वेबसाइट पर शीघ्र ही SCO देशों के पर्यटकों की आसानी के लिए रूसी इंटरफेस और रूसी भाषा में 24/7 पर्यटक हेल्पलाइन प्रारंभ होगी। किर्गिस्तान के बिश्केक सीधे आपको लिए चलते हैं। हमारी संवाददाता गीता मोहन वहीं पर इस समिट को कवर कर रही हैं, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। दो बड़ी बातें क्या हम ये मान सकते हैं गीता, एक तो पाकिस्तान को साफ साफ कटघरे में खड़ा कर दिया है, विश्व समुदाय के सामने उसे बेनकाब कर दिया है, और दूसरा ये कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आतंकवाद पर ये कैसे पूरे विश्व को एकजुट करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल है, आप कैसे देखती हैं इसे गीता? जी बिल्कुल सईद, अगर आप देखें जो स्टेटमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है यहाँ पर बिश्केक में, वहाँ पर बिना पाकिस्तान के नाम का नाम लेते हुए सीधे सीधे तौर पे पाकिस्तान पर निशाना साधा है, जहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि अगर ये पूरी क्षेत्र जो है अगर साथ खड़ी नहीं होती है तो फिर ये विश्व के लिए और ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। रैट्स जो रीजनल एंटी टेरर सिक्योरिटी फोरम है SCO के तहत, उसको ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है, और पाकिस्तान को ऐसे देश जो आतंकवाद और आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं उनको अपने आप देखना होगा कि कैसे वो इन आतंकवादियों का आतंकवादियों से लड़ सके और लड़ के आतंकवाद को ख़त्म कर सके। जब तक ये एक साझा चुनौती है इस क्षेत्र की और जब तक ये इस साझा चुनौती को पाकिस्तान जैसे देश अपनी चुनौती नहीं मानते हैं और नहीं मान के चलते हैं तब तक इस क्षेत्र में पीस और सिक्योरिटी नहीं आ सकती। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग मैसेज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जहां एक तरफ हमने देखा था कि बीजिंग से चीन ने काफी स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजा था भारत को कि कोई भी देश का नाम ना ले SCO समिट में और SCO समिट को भारत और पाकिस्तान के बीच की लड़ाई ना बना दे। वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि बड़े डिप्लोमैटिकली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे मामले को संभाला और पाकिस्तान का नाम नहीं
नहीं लेते हुए भी ये साफ कर दिया कि अगर भारत के साथ पाकिस्तान जैसे देश को कोई भी रिश्ता बनाना है तो उसके लिए आतंकवाद को ख़त्म करने की ज़रूरत है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। अभी देखना होगा कि अगर टेररिज्म का जो पैराग्राफ होगा बिश्केक डिक्लेरेशन में उसमें कितने स्ट्रॉन्गली टेररिज्म को और आतंकवाद के मामले को मेंशन किया जाएगा बिश्केक डिक्लेरेशन में। गीता एक बात और बताइए, महत्वपूर्ण बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। गीता मोहन से हम बात करेंगे, लेकिन यहां पर जो महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है एससीओ में अपने संबोधन में, एससीओ को आतंकवाद के खिलाफ साथ, उसके खिलाफ साथ आना होगा। आतंकवाद रोज मासूमों की जान ले लेता है। गीता मोहन हमारे साथ जुड़ी हुई है सीधे बिश्केक किर्गिस्तान से। गीता, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह आह्वान किया, यह अपील की कि हमें एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यहां पर बुलाना होगा, यह कितनी बड़ी पहल हो सकती है? ये बहुत ही बड़ी पहल है। बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, लेकिन भारत यहाँ पर ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट रख रहा है जहाँ पर एससीओ के जितने भी देश हैं अगर आप देखें सईद, वो सब बहुत ही बुरी तरीके से अफेक्टेड है। श्रीलंका की बात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और ये जताया कि अगर आज एससीओ जैसे ब्लॉक, रीजनल ब्लॉक जहाँ पर हर एक देश आतंकवाद से जूझ रहा है, अगर आज ऐसा कॉन्फ्रेंस ना करें, साथ जुटकर ना हो, तो इस क्षेत्र में शांति और प्रॉस्पेरिटी आने में इट विल बी इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन हो जाएगा कि यहाँ पर कोई भी पीस और प्रॉस्पेरिटी हो। इसलिए ये ज़रूरी है कि ऐसा एक कॉन्फ्रेंस हो, लेकिन उसी के तहत सही देखिए कितने अच्छी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात भी रख दी कि अगर इन्हीं मेंबर्स को उस कॉन्फ्रेंस में शामिल होना है तो वो देश जो आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं वो किस हक से ऐसे कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे, वो किस हक से एससीओ जैसे प्लेटफॉर्म में जो भी बोलना है वो बोलेंगे। अभी हमें इंतज़ार करना होगा कि इमरान खान किस तरीके से जवाब देते हैं इस पूरे आतंकवाद के मामले को जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया है। कुछ ही देर में इमरान खान भी बोलने वाले हैं। पाकिस्तान और भारत पहले दो नए मेम्बर्स हैं एससीओ के, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट ये भी होगा देखना कि इमरान खान का जवाब क्या होगा इस पूरे स्टेटमेंट, भारत के स्टेटमेंट में। लेकिन जो कॉन्फ्रेंस की बात आप कर रहे हैं वो बहुत ही ज़रूरी है। चीन से जब बातचीत हुई, रूस से जब बातचीत हुई, अफगानिस्तान, ईरान, किर्गिस्तान से जब आज बातचीत होगी तो बात यही रखी जाएगी कि आतंकवाद सबसे बड़ा मुद्दा है इस रीजन में और उससे लड़ने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। हमें यह भी पता चला है सईद कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति से जब बात की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो सोर्सेस के हवाले से हमें यह पता चला था कि अफगान के प्रेसिडेंट भी यही बात उठाने वाले हैं इस फोरम में कि पाकिस्तान सिंसियर नहीं है, कि पाकिस्तान गीता हम और आगे बात करेंगे, लेकिन एक और बड़ी बात यहाँ पर कही है आतंकवाद से अलग हटकर, और वो बात उन्होंने कही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिजनेस और हेल्थ केयर पर, हेल्थ केयर परियोजना पर जोर देना जरूरी है, बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की जरूरत है, इससे तरक्की करेगा देश। जो विकास की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं उस वो और गति पकड़ेगा क्योंकि बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की जरूरत, क्या क्या सुन लेते हैं जल्दी से। एसओ की 2019-2021 के लिए हेल्थ केयर कार्य योजना पर हमें जोर देना चाहिए। भारत को टेलीमेडिसिन और मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में अपने अनुभव साझा करने में खुशी होगी। ई फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, आर्थिक सहयोग हमारे लोगों के भविष्य का आधार है। एक पक्षवाद और संरक्षणवाद ने किसी का भला नहीं किया है। हमें विश्व व्यापार संगठन पर केंद्रित एक नियम आधारित, पारदर्शी, भेदभाव रहित, खुली और समावेशी बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की आवश्यकता है। इससे भी सभी सदस्यों, विशेष रूप से विकासशील देशों के हितों को ध्यान में रखा जा सकेगा। भारत एससीओ सदस्य देशों के बीच आर्थिक गतिविधियों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने पर तेजी से काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज हम महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं
इनसे एससीओ में द्वितीय वित्तीय मामलों में और डिजिटलाइजेशन और आईसीटी में सहयोग मजबूत होगा। ए फॉर अल्टरनेट एनर्जी, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत की प्रतिबद्धता हमारे दर्शन में निहित है, जो पृथ्वी को माता के रूप में मानते हैं। आज भारत अक्षय ऊर्जा का छठा और सौर ऊर्जा का पांचवा बड़ा उत्पादक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन भारत की संयुक्त पहल है। इसका उद्देश्य और ऊर्जा की लागत कम करने के लिए प्रौद्योगिकी और वित्त जुटाना है। हम इस पहल में एससीओ के देशों को का स्वागत करते हैं और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को विकसित करने में अपना अनुभव साझा करने के लिए तैयार हैं। आज हम एससीओ के अंतर्गत एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए वर्ष 2019-21 में सहयोग के कंसेप्ट पेपर पर सहमत हुए हैं।